प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी से नहीं आ रहे बास। बिना फिटनेस बिना बीमा के कंडम बस से मासूमों को ले जाया जा रहा है। स्कूल मासूमों की ज़िंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। शाहजहाँपुर ज़िले के अकोदिया नगर के प्रतिष्ठित स्कूल कालिदास अकादमी की बस पूरी तरह से कंडम है और वो भी छत्तीसगढ़ राज्य की पासिंग है। वहीं बस का शायद बीमा फिटनेस भी नहीं है और उसी बस से छोटे छोटे मासूमों को बैठाकर स्कूल ले जाया जाता है और मासूमों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालक ज़िले भर में अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिन हुई रिछोदा स्कूल की घटना के बाद भी ज़िला प्रशासन ज़िला शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं बस की हालत बिल्कुल कंडम है और उसमें क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए गए हैं। वहीं बच्चों को फाटक के पास ही बैठा कर ले जाया जा रहा है जो किसी दिन बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बस पुलिस चौकी और दो थाने के सामने से गुजरती है लेकिन आज तक पुलिसकर्मियों के द्वारा भी इस बस को रोककर नहीं देखा गया। वहीं ज़िले का RTO विभाग भी ज़िला मुख्यालय पर ही अपनी कार्रवाई करके रह जाता है जबकि ज़िले में देखा जाए तो शुजालपुर अकोदिया कालापी पर सलसिलाई गुलाना सहित सभी जगह स्कूल वाहन बेरोक टोक बगैर बीमा फिटनेस लाइसेंस के स्कूली बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाए जाते हैं लेकिन इन वाहनों पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। शायद ज़िला प्रशासन व ज़िले का शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु से इनसे सबसे कहना है कि इन बसों पे कार्रवाई करना चाहिए। किस तरह से कि मतलब जो बसें हैं अब ये खंडर हैं पूरी पूर्ण रूप से, अगर हमारे बच्चे इसमें बैठते हैं और कहीं भी वायरिंग अगर ब्लॉकेज हो जाती है या ब्लास्ट हो जाती है तो हमारे बच्चे परेशानी में आ सकते हैं, यहाँ तक कि मौत का सामना भी उनको करना पड़ता है और इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बसें करीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ की बसें और कहाँ से आती है ये बस? अकोदिया स्कूल जो है कालिदास स्कूल यहाँ की बस है और ये करीबन बोलई से इधर सलसलाई की ओर आती है तो करीबन 30-40 किलोमीटर के समथिंग आती है और भी गांव के बच्चे कवर करती है। आज तो हमारे बच्चे हैं, कल से किसी और के भी बच्चे हैं, अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जी? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इन पे जबरदस्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम सर आपका? जी लक्ष्मण मेवाड़ा।